हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिन का टाइम है, करीब 2 बज रहे हैं और ये मैंने छोले और उड़द की दाल सुबह भिगो दी थी फूलने के लिए। मुझे मॉर्निंग में याद आया कि फुलाना है, मैं रात में भूल गई थी इन्हें भिगोना। तो सबसे पहले हमने ना छोले रख दिए बॉयल होने के लिए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है और जब तक ये बॉयल होंगे तब तक हम बाकी के काम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने छोले लिए, दो उसमें आलू छील के डाल दिए हैं धुल के अच्छे से, थोड़ा सा नमक डाल दिए कि जिससे कि छोलों में अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए, और इसे रख दिया हमने गैस पे कुक होने के लिए। अब ये थोड़ी सी मैंने सब्जियाँ ली हैं, जिसमें फूल गोभी है, दो शिमला मिर्च है, दो गाजर है, और थोड़े 5-6 पीस मैंने प्याज के लिए हैं, और एक मैंने लहसुन लिया है। इन सभी को अब हम मतलब सारा काम एक साथ कर लेंगे ना, तो थोड़ा सा किचन में ईजी हो जाता है। और इनको मैं बैठ के काटने वाली हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है किचन में, तो खड़े खड़े थकान सी हो जाती है। तो सब्जियाँ सोचा बैठ के काट लेते हैं, तो मैं दो काम, जैसे सब्जी काटने वाला और आटा गूंथने वाला, ये दो काम मैं बैठ के कर लेती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा खड़े खड़े ना बहुत थकान होती है। गोभी मैंने फिर सबसे पहले काट ली, और आज ठंड बहुत ज़्यादा है। ये 29 का वीडियो है और मुझे मौका ही नहीं मिला इसे एडिट करने का, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो हो गया था तो टाइम लगने वाला था। तभी मैंने सोचा इसे बहुत मतलब फुर्सत में मैं इसे एडिट करूँगी। और मैंने आज बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं एक साथ खाने के लिए, क्योंकि कभी कभी ना मन करता है कि बिल्कुल अच्छी सी थाली बनाने का। और काफ़ी टाइम से पनीर नहीं बनाया था, तो डुगू का बहुत मन था पनीर खाने का, और मुझे पनीर के साथ मिक्स वेज बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्या मतलब, सभी को ही अच्छा लगता होगा पनीर के साथ मिक्स वेज। अब हम सब सब्जियों को फटाफट कट कर लेते हैं। प्याज मैंने ले लिए, इनको भी यहीं पे काट लेंगे कि जिससे जो गंदगी वाला सामान मतलब काम होता है ना वो हो जाएगा, तो जिसका कूड़ा होगा इसे हम एक साइड कर देंगे और किचन साफ रहेगा। अब देखिए, शिमला मिर्च गोभी मैंने काट ली है, मटर छिली भी रखी है पहले से फ्रिज में, और ये आलू मैंने पानी डाल के रख दिए हैं, गाजर को भी काट लिया है, और प्याज को भी मैंने धुलने के लिए पानी में डाल दिया है जिससे थोड़ा साफ़ हो जाए। और लहसुन भी थोड़े से गंदे होते हैं ना, तो मैं उसे भी धुल लेती हूँ। अब मैंने करीब 1 मुट्ठी इसमें मटर डाल दी है, और सब सब्जियों को पानी डाल के एक साइड में रख दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, जो ग्रेवी वाला मतलब काम है, जो पनीर में ग्रेवी पड़ेगी ना उसको बना लेते हैं। तो मैंने थोड़ी ज़्यादा सी ग्रेवी ली है, करीब 4-5 प्याज थी, आपने देखा ही था, और पूरा 1 आड़ी लहसुन का था, थोड़ी सी टुकड़ी अदरक की, और करीब 4 मतलब टमाटर थे, और ये देसी टमाटर है, काफ़ी खट्टे होते हैं तो टेस्ट और अच्छा आता है। करीब 1 टेबल स्पून ऑयल कढ़ाई में डालने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक और प्याज डाल दिया है, इन्हें हल्का सा कलर चेंज होने देंगे। फिर 4 हरी मिर्च, हरी नहीं मतलब लाल हो गई थी रखे रखे, तो वही 4 मिर्च लिए मैंने, और 4 टमाटर, इनको कट करके डाल दिया। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल दिया। और कभी कभी धनिया पत्ती इतनी गंदी आती है ना कि उसे 5-6 बार धुलने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि ये साफ़ हुई होगी, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है कि मतलब खाना पूरा खसर खसर करने लगा था। तो धनिया पत्ती मैंने कम से कम 6-7 बार धुली है। इसके बाद हल्का सा कट करके ना मैंने इसको भी डाल दिया इसी में, और इसे अच्छे से हम भून लेंगे। भूनने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ना ही बहुत ज़्यादा हमें इसे मतलब लाल करना है। अब जब तक पक रहा है ना, तब तक जल्दी से मैंने 1 कटोरी चावल भिगो दिए, क्योंकि इसकी मैं खीर बनाने वाली हूँ। तो जब ये अच्छे से भीग जाते हैं ना, तो बिल्कुल दूध में मिक्स हो जाते हैं। अब जब तक हम मसाले पक रहे हैं, तब तक हम क्या करते हैं, जो उड़द की दाल थी ना, मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, जिससे इसके छिलके हैं एक्स्ट्रा छिलके वो हट जाएँ। और इधर हम छोलों को चेक कर लेते हैं कि पके हैं कि नहीं पके। तो काफ़ी टाइम हो गया है, तो करीब ये सब करते ना 15 मिनट हो गए, तो ये छोले पक चुके हैं, तो इन्हें साइड में रख देते हैं फिलहाल के लिए, और फटाफट ये सारे मसाले निकाल लेते हैं जो हमने फ्राई होने रखे थे। अब इसको ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि ठंडा करना है, करने के बाद ही मैं इसे पीसूंगी, वरना ये कभी कभी क्या होते हैं मिक्सी से बाहर निकल जाते हैं, पूरी दीवारों में फैल जाते हैं। और अब हम उड़द की दाल को भी पीस लेते हैं। मतलब जब बहुत सारा काम होता है ना, तो मुझे वीडियो भी बनाना होता है, तो समझ में नहीं आता किस तरीके से काम को करना है। तो मैंने जो तैयारियों वाला काम है ना, वो एक साइड में करके रखती चली गई हूँ। और ये मैंने काजू पहले से भिगो के रखे हुए थे, आप नहीं भी भीगे हो तो जस्ट तुरंत ऐसे ही डाल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो मैंने पनीर के लिए ग्रेवी बनाई ना, इसमें मैंने काजू डाल दिया। अब इन सब मसालों को ठंडा होने के बाद ही मैंने पीसा है, तो थोड़ा तो मैंने काजू के साथ डाल के पीस लिया है, और थोड़ा मैंने ऐसे ही अलग पीस लिया है, क्योंकि मैं इसे फ्रिज में स्टोर करने वाली हूँ कि जैसे बाद में कोई सब्ज़ी बनाओ ना उसमें डाल दो, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। अभी जो काजू वाला पेस्ट है वो हल्का वाइट है,
और जो नेक अदर पेस्ट है ना वो हल्का सा रेड है देखिए आप। और देखिए मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई है, अब सब चीज़ें बाहर निकाल के रख ली जिससे बनाने में दिक्कत ना हो। पहले तो मैंने दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ाई थी कि मैं सूखी सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी साथ में बना लूँगी, फिर मैंने सोचा वो फिर वीडियो में दिखाई नहीं देगा, तो मैंने फिर एक गैस को बंद कर दिया और दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी। इसमें मैंने करीब 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल, फिर उसके बाद अनियन डाल दिया है, इसको अच्छे से रेड कर लिया है, फिर जो हमने काजू वाला मिक्सर बनाया था ना वो इसमें डाल दिया है, जो हमने टमाटर प्याज वगैरह फ्राई किया था ना उसी को हमने पीसा है। तो इस थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था ग्रेवी, तो मैंने इसमें जो दूसरा वाला ग्रेवी पीसा था ना रखने के लिए थोड़ा सा उसमें से और डाल दिया इसमें, और इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। जब हल्का सा देखिए कलर चेंज हो जाए और चारों तरफ ऑयल दिखने लगे, उसके बाद मैंने इसमें सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक ऐड कर दिया है और हल्दी पाउडर। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मैंने बेसिक मसाले इसमें ऐड किए हैं, अदर मैंने कोई भी मसाला नहीं डाला है, और मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ सब्जियों में, सब्जी मसाला ही डालती हूँ। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा कड़क चाहिए ना सब्ज़ी, तो आप सब्जी मसाला गरम मसाला डाल दीजिए। और मटर डाल के मैंने मिक्स करके रख दिया है। मटर मैं हमेशा ग्रेवी में डाल देती हूँ जिससे कि जो उसका ऊपर का छिलका होता है ना हल्का सा चिटक सा जाए, क्योंकि वो बिल्कुल बॉयल वॉयल जैसा जब लगता है तो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर मैंने निकाल ली दही, और बीच बीच में सब्जियों को भी चला इसको भी चलाते रहना है, भूलना नहीं है कि गैस पे सब्जी भी चढ़ी है। देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो ये बॉयल वाला पानी मैं इसमें डाल दूंगी। इससे क्या होता है बहुत जल्दी से सब्ज़ी में उबाल आ जाता है और सब्ज़ी और फटाफट बन जाती है। तो जितनी देर मसाला भूने ना उतनी देर आप पानी बॉयल होने के लिए रख दें। और इधर मैं पनीर काट लेती हूँ, जल्दबाजी थी, ज़्यादा चीज़ें बनानी थी, तो इसलिए पनीर को मैंने कोई शेप नहीं दिया है, नॉर्मली स्क्वायर शेप में जैसा मैं काट पाई थी काट लिया। अब देखिए अच्छा सा बॉयल आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे पनीर जो है ना सब्ज़ी में डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है, कोई एडिटिंग नहीं, मतलब एडिट करके मैंने कोई कलर इसमें नहीं लगाया है, ये बिल्कुल रियल कलर है। और डुगू को ना पनीर के लच्छे जब पड़ते हैं ना पनीर की सब्ज़ी में तो बहुत पसंद है, तो मैंने थोड़ा सा पनीर इसमें ग्रेट करके डाल दिया है, और अब इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढक के रख देते हैं। और इधर मैंने गुनगुने पानी में लिया है बूंदी, तो करीब 1 कप गुनगुना पानी था, और ये 10-10 रुपए वाले 2 पैकेट मसाला बूंदी है। मुझे मसाला बूंदी अच्छा लगता है, इसमें हल्का सा मिंट का फ्लेवर आता है ना, बहुत टेस्टी लगता है, तो मैंने 2 कप बूंदी का ले लिया है, उसे रख दिया भिगोने के लिए। बीच बीच में सब्ज़ी चला ले रही हूँ कि ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा थिक हो जाए तो मुझे वापस से इसमें बॉयल करके पानी डालना पड़े, तो बहुत फिर वो सब्ज़ी का टेस्ट चला जाता है। अब मैंने इसे कांच के बाउल में निकाल लिया है, देखिए सब्ज़ी कितनी थिक कितनी अच्छी बनी है। इसे मैं ढक के अब रख देती हूँ एक साइड में, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है कि चलो एक चीज़ तो बन के रेडी हो गई है। और इधर जो मैंने दही निकाल के रखा था ना भगोने में, और वो बूंदी मैंने भिगो दी थी, दही को अच्छे से फेंट लिया था, तो ये पूरी बूंदी अब मैं इस दही में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ, क्योंकि दही बहुत गाढ़ा है, तो बूंदी में जो हल्का सा मतलब पानी है ना उसके सहित ही मैं इसमें डाल दूँगी, तो जो उसकी कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। और बाद में अगर हमको थोड़ा सा थिक लगेगा क्योंकि बूंदी भी जम जाएगी, तो हम इसमें थोड़ा सा मट्ठा मिला देंगे। और ये हमारे घर का बना हुआ नमक है, तो इसकी ये हम मार्च में बनाते हैं, तो मैं जब बनाऊंगी ना तब इसकी रेसिपी आपके सबके साथ शेयर करूंगी। तो इसमें पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आती है, मैंने ये नमक डाल दिया है, इसमें नमक भी मिक्स है, और ढक के रख दिया। अब इसमें हम छौंका लगाएंगे, तो जिसके लिए मैंने एक दिया रखा है गैस के ऊपर, इसमें डाला मैंने 1 टेबल स्पून घी, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग। और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जो रायता हमने बना के रखा है ना बूंदी का, ये दिए सहित हम उसमें डाल देंगे। ये बिल्कुल साफ दिया था, तो मैंने धुल के इसको चढ़ाया था गैस पे, इसको इस तरीके से हम इसमें डाल के ढक के रख देंगे, तो इसका जो फ्लेवर है इसकी जो खुशबू है ना सूंधी सूंधी बहुत ही अच्छी आती है। तो आप लोग इस तरीके से रायता एक बार ज़रूर ट्राई करें अगर नहीं ट्राई किया है तो। अब दूसरी कढ़ाई में जो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था ना उसमें मैंने एक बड़ी इलायची डाल दी है, सूखी सब्जी में बड़ी इलायची और मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। मिक्स करने के बाद ढक के रख दिया है, बीच बीच में मिक्स करते रहेंगे, और जब हल्का सा ये ब्राउन ब्राउन हो जाएगा ना, इसी बीच में मेरा पार्सल आ गया, मैंने डोनट बनाने के लिए थोड़े से जो मतलब केक के ऊपर हम गार्निश करते हैं ना वो मंगाया था, मुझे इसका नाम नहीं पता, तो इसको अब ये बहुत अच्छा आया। 138 रुपीज़ का ये था, लेकिन 3 रिबनी हैं, बहुत छोटी छोटी हैं, पर तीनों बहुत अच्छा है। तो ये मैंने डोनट बनाने के लिए
मंगाया था, तो मैंने अभी इसको जूठा भी नहीं करने दिया, वाशु बहुत मांग रहा था, लेकिन मैंने कहा अभी नहीं, पहले हम बना लेंगे इसके बाद आप खाना। और इधर सब्जी में डाल देते हैं मसाले, तो नमक डाल दिया, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, उसके बाद जो मैंने छोले और आलू उबाले थे ना वो डाल दिए। मेन इसमें यही तो मतलब असली फ्लेवर जो है ना छोले का ही आने वाला है। और ऊपर से मैंने इसमें डाला खूब सारा छोला मसाला। वैसे तो हमेशा छोले और मतलब जो मिक्स छोला सब्जी बनती है ना, इसमें छोला मसाला गोल्डी का ही अच्छा लगता है, पर यहाँ पे जल्दी से कहीं भी अवेलेबल ही नहीं होता, तो मैंने एवरेस्ट का डाला है। और आप इस ये वाली मिक्स सब्जी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि सच में बहुत यम होती है, बहुत टेस्टी लगती है, पूड़ी के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती है। और जब ये हल्की हल्की जल जाए ना नीचे से, मतलब नीचे से लगने लगे, उसके बाद ही गैस को बंद करिएगा। जब तक सूखी सब्जी नीचे लगती नहीं है ना कढ़ाई में, तब तक उसमें सोंधापन आता ही नहीं है। अब देखिए आप कलर देख सकते हैं, धनिया पत्ते की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो सब्जी भी बनके रेडी हो गई, इसे भी एक साइड में रख देते हैं। मैंने चावल रख दिए धुल के पकने के लिए, तो मैं बॉयल करके इस चावल बना रही हूँ, बॉयल करके हम इसे छान लेंगे। तो अब चावल भी रख दिए हैं, तो ऐसा करते हैं चावल देख लेते हैं फूल गए करीब। मुझे ये सब करते हैं ना 1 घंटा हो चुका है, तो ये जो राइस हमने भिगोए थे ना ये भी अच्छे से फूल गए हैं। तो अब हम ले लेते हैं भगोने में दूध। मैंने खीर की रेसिपी इसलिए नहीं शेयर की क्योंकि खीर की रेसिपी मैं अपने चैनल पर करीब 3 बार डाल चुकी हूँ, और तो मैंने डायरेक्ट दूध को रख दिया पकने के लिए। और ये थोड़ा सा वाशु खद ना जो वो पीता है, वो दूध 1 कप मैंने अलग रखा हुआ था, वो बच गया था, तो इसमें मलाई थी, तो मैंने ये भी उसी में डाल दिया खीर वाले में। आटा मैंने छान लिया है, इसमें मैंने डाली वही जो हमने उड़द की दाल पीस के रखी थी ना, तो देखिए आधे से ज़्यादा दाल मैंने उड़द की इसमें डाल दी है। और हम डालेंगे इसमें करीब 5 से 6 चम्मच कसूरी मेथी। आप देख सकते हैं उड़द दाल और कसूरी मेथी डाल के आप कभी बनाइए कचौरी, बहुत अच्छी बनती है। और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया, बहुत हल्का सा नमक डाला है क्योंकि सब्जियों में भी नमक पड़ा हुआ है। और करीब 2 चम्मच के आसपास मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिया है कि जिससे हल्का सा इसमें खस्ता हो जाए। वाशु आ गया बीच में, उसे मिल गया काजू का पैकेट, तो कह रहा है मामा मुझे काजू दे दो। उसे नाम तो नहीं पता है लेकिन वो ऐसे ही मांगता है, जब किचन में रहेगा ना कोई चीज़ खाने की अपने मतलब की मिलती है तो वो डिस्टर्ब थोड़ा सा कम करता है। अब वो चला गया कमरे के अंदर, आज तो वाशु ने बड़ा साथ दिया, वो बिल्कुल भी मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आया जितनी देर भी मैं किचन में रही। अब आटा भी हमारा गूंथ चुका है, तो उसे हमने रख दिया एक साइड में। अब हम चावल को चेक कर लेते हैं, तो देखिए कितना सारा पानी है। अगर 2 कप चावल है ना तो उसमें कम से कम 8 कप आप पानी डालिए, अगर आपको पुलाव वाले मतलब चावल बनाने बिल्कुल खिले खिले। और इसका जो सबसे मेन वो होता है ना कि कब हमें पता चलेगा कि भी पक चुके, आप जब इसको दबाइए तो बहुत हल्की सी जब इसमें किनकी सी लगती है ना, किनकी मतलब जो चावल की किनकी सी लगे कि हल्का सा कच्चापन है, बस आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए और चावल को अच्छे से छान लीजिए, तो समझिए चावल बिल्कुल बिल्कुल आपके परफेक्ट बनेंगे। और ये हमने अब रायते में से निकाल दिया है दिया, आखिर कब तक इसमें पड़ा रहता है, इसे निकालना तो था ही। और इसके बाद देखिए जो बूंदी है ना उस टाइम पे अच्छे से नहीं फूली होगी, तो बहुत अच्छे से फूल गई है। तो मैंने इसमें डाल दिया था मट्ठा 1 ग्लास और थोड़ी सी हरी धनिया डाल दी। और इधर देखिए चावल मैं अब आपको दिखाती हूँ, अभी चावल देखिए दबाने पे ना एक हल्का सा इसमें कच्चापन है, बहुत लाइट सा, बस अब इस जगह पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे चावल की और उसका पानी सारा छान के ढक के रख देंगे। और ये हमने करी अपनी खीर में डाल दिया है ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा शुगर, और ये हमारी खीर भी बन के रेडी हो गई है। खीर हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब फटाफट बना लेते हैं पूरिया, क्योंकि डुग्गू स्कूल से आ चुका है और करीब ये सब काम करते मुझे टाइम हो गया था, तो करीब 4:30 से 5 बज रहा होगा, मुझे 2-2.5 घंटे हो गए ये सब करते करते, क्योंकि बीच बीच में और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे बर्तन धुल लिए थोड़े से, या थोड़ा वाशु को देख लिया, कुछ खिलाना पिलाना हुआ, या और भी बहुत सारे काम होते हैं वो बीच बीच में करने होते हैं ना, इस वजह से लेट हो जाता है। और आप मैंने ये पूरियाँ बना ली, देखिए बहुत ही टेस्टी पूरी बनती है, इसको आप चाय के साथ खाइए। वाशु कह रहा है कि देना नहीं मम्मी, देना नहीं, कि मतलब ऐसा ना मम्मी किसी को दे दे। मैं जब कुछ मीठा बनाती हूँ ना तो मीठा मैं लड्डू गोपाल के लिए भोग ज़रूर निकालती हूँ, मतलब हमेशा तो नहीं कह सकती हूँ लेकिन मीठा बनाती हूँ तो ज़रूर निकालती हूँ। तो मैंने खीर बनाई पूड़ी, ये हम सबसे पहले लगाएंगे भोग अपने लड्डू गोपाल का, मतलब सारे भगवान का भोग लगता है। और डुग्गू के लिए मैंने थाली लगाई, डुग्गू तो बहुत ही खुश हो जाने वाला है क्योंकि उसको नहीं पता मम्मी ने क्या बनाया है, वो तो सोच रहा होगा मम्मी ने रोज़ वाला दाल चावल ही बना रखा होगा,
काफ़ी टाइम से उसने पनीर नहीं खाया था, तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं। तो ये हमारी पूरी थाली लग चुकी है और डुगू हमारा खाने के साथ सैलेड खा लेता है, तो मैं सैलेड ज़रूर उसकी थाली में रखती हूँ जिससे उसकी हैबिट में रहे। तो आप लोगों को ये थाली कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी रेसिपी आपको अच्छी लगी या कोई कमी है तो वो भी बताइएगा अगर आपने वीडियो पूरी देखी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय माता दी।